47 मोबाइल जब्त कर लोगों के सुपुर्द की है। खबर कंट्रोल रूम से है। यहां पर एसपी राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में आज साइबर सेल ने 47 मोबाइलों को लोगों के सुपुर्द किया। आपको बताना होगा कि जिन लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं वो सभी लोग एसपी ऑफिस शिवपुरी साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। इसके बाद आज साइबर सेल विभाग अपना काम चालू करता है और ये सभी मोबाइल साइबर सेल ने ढूंढ निकाले। आज शिवपुरी एसपी राजेश सिंह चंदेल की मौजूदगी में लोगों को वितरण कराए। इस सफलता में एसआई दीपक शर्मा, एएसआई प्रवीण त्रिवेदी, प्रधान आरक्षक विकास चौहान, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सेन, आरक्षक आलोक व्यास, आरक्षक जलज रावत, आरक्षक मानवेंद्र, आरक्षक दामोदर की अहम भूमिका रही। जवाहर कॉलोनी शिवपुरी से। आपका मोबाइल कब कैसे खोया था? मेरा मोबाइल 5 अप्रैल को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से खोया था। उसके बाद आपने शिकायत वगैरह की? हाँ, FIR की थी। मेरा मोबाइल कहाँ से खोया था? यही अशोक स्टेशनरी से। कब खोया था? 13 सितंबर। तो आज आपको मोबाइल मिला, कैसा? बहुत अच्छा लगा। किसको धन्यवाद? कितने मोबाइल थे? केवल 50 मोबाइल हमारे, जो पिछले साल भर में कई सारे मोबाइल गायब थे। तो हम लोग जनरली ऐसा करते हैं, इनको ट्रैक करते रहते हैं। कई बार ऐसा पाया जाता है कि कई मोबाइल गुम हो गया, मिसप्लेस हो गया, कभी किसी ने पिक भी कर लिया, कहीं सामने वाले के नोटिस में नहीं आया, तो उसका एक आवेदन वो देता है और वो एप्लीकेशन को हम साइबर सेल में रखते हैं और साइबर सेल उसको लगातार ट्रैकिंग करते रहते हैं। तो हमको अभी ये लकीली 50 के कई बार मोबाइल अभी प्राप्त करने में सफलता मिली है। अभी आप ही देख रहे होंगे, उसमें काफ़ी बच्चे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अब जो कि मोबाइल एकदम एसेंशियल पार्ट हो गया है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण था। कई बार मेरा ख्याल है 5,000 से लेके 20,000 तक के मोबाइल इसमें कम से कम मिले हैं, तो एक अच्छा था। तो एक साथ इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इनसे एक इंट्रेक्शन भी किया, इनकी कोई परेशानी कुछ हो तो वो भी बताएंगे। इसमें जिसमें अपराध होता है उनके तो अलग से होता ही है, चाहे लूट वाले हों चाहे चोरी वाले हों, जिसमें ये पता लग जाता है कि हाँ इन्होंने किसी ने वारदात की है। जिन मामलों में ऐसा पता लगता है कि ये मोबाइल किसी वजह से कहीं छूट गया किसी का, या किसी वजह से कहीं से ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गया जिसका अपराध से लेना देना नहीं है, लेकिन मोबाइल उसने मिल गया, उसको इस्तेमाल उसने कर लिया, तो उस पर क्या करते हैं, इसमें पता नहीं लगता कि वास्तव में चोरी या अपराध हुआ था, तो फिर हम उसको सीधे वापस करते हैं, रिसीट लेते हैं कि भाई ठीक है आपने आवेदन दिया था तो उस पर से आपको मोबाइल वापस कर दें।